के हैं, एक नई वीडियो में एक ऐसे लोन ऐप के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप 2 लाख तक का लोन ले सकते हो। इस ऐप का नाम है लोन फ्रंट, यानी कि लोन फ्रंट के बारे में कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं। शायद आपने में से कई लोग ट्राई भी किए होंगे तो आपका लोन उसी तरह रिजेक्ट हो गया होगा। लेकिन दोस्तों, मैं इस एप्लीकेशन को पहले सही से रिसर्च किया हूँ, जानकारी लिया हूँ, फिर आपके सामने मैं ये जानकारी दे रहा हूँ। चलिए आपके सामने एक मतलब फिर से मैं जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पर सही जानकारी दूंगा इस पर कि क्या ये एप्लीकेशन में 2 लाख तक का लोन जल्दी मिल सकता है कि नहीं, और इस एप्लीकेशन में दोस्तों क्या ये एप्लीकेशन RBI से NBFC रजिस्टर्ड है कि नहीं। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिए, किसी भी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो पहले RBI से उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड नहीं है तो लोन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम जान लेते हैं क्या ये एप्लीकेशन RBI से रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। तो क्या ये एप्लीकेशन से, दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन है वो सब इस पर हम देने वाले हैं, बहुत सारे, जैसे कि आपको इस पर मन में ये चल रहा होगा इस पर डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स इस पर कुछ खास नहीं देना है, कहा जा रहा है कि इस पर विदाउट किसी पेपर वर्क के, जो डिजिटल एप्लीकेशन होते हैं विदाउट किसी पेपर वर्क के, आप अपने पेन कार्ड की मदद से और दूसरा अपने एड्रेस प्रूफ के मदद से यहाँ पे लोन ले सकते हो। यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिया जा रहा है एड्रेस प्रूफ और यहाँ पे पेन कार्ड और सेल्फी देके आप इस पे लोन ले सकते हो। चलिए जानकारी हम लेते हैं कि क्या ये सही है या फिर नहीं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को सही से देखिए, समझिए, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं और इस एप्लीकेशन को मैं प्ले स्टोर से ढूंढ लिया हूँ और देख सकते हैं कि ये है प्राइवेट लिमिटेड, ये रजिस्टर्ड है और यहाँ देख सकते हैं कि लोन फ्रंट एप्लीकेशन का नाम है। इस एप्लीकेशन को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इस एप्लीकेशन को मुझे रिव्यू करना है, सही जानकारी देनी है लोगों को क्या ये एप्लीकेशन सही है फिर नहीं भी, वो मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, ठीक है। जानकारी मैंने सही से ली है, उसके बाद दोबारा इस पर जानकारी मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जो सही जानकारी है इस पर है तो मैंने रिसर्च किया है, चलिए देते हैं आपके सामने। तो यहाँ देखिए पर्सनल लोन यहाँ पे एप्लीकेशन है, पर्सनल आप इस पैसे को बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत जल्दी इस पे लोन आप ले सकते हो, बस KYC कंप्लीट करना है। तो चलिए हम जानते हैं कितना ब्याज लग रहा है, कितना प्रोसेसिंग फीस लग रहा है, क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों करना क्या काम है, यहाँ पे हमें जानकारी लेनी है कि क्या एप्लीकेशन RBI से रजिस्टर्ड है या फिर नहीं। तो यहाँ देखिए कि और भी बहुत कुछ है RBI से रजिस्टर्ड नहीं, और भी बहुत कुछ जानकारी हमें लेनी पड़ती है। तो यहाँ देखते हैं लोन, यहाँ पे देखते हैं ऑनर RBI, यहाँ पे NB देखते हैं RBI लाइसेंस, यहाँ पे NBFC, ये जो है ये कंपनी का नाम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये रजिस्टर्ड है, ठीक है, ये इनके थ्रू ये काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों देखते हैं इनके थ्रू, तो हम इस पर क्लिक करते हैं इस वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो देख सकते हैं यहाँ पे हम आ चुके हैं, पब्लिक नोटिस यहाँ पे दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। देखते हैं कि NBFC लाइसेंस यहाँ पे रनिंग चल रहा है, जो भी हो आप इसे पढ़ सकते हैं, आप इसको NBFC, ठीक है। तो इस कंपनी जो है यहाँ पे लाइसेंस मिला, दोबारा हम क्लिक कर लेते हैं। तो इनके थ्रू दोस्तों ये जो है ये फाइनेंसर है शायद, यही इनके पार्टनर हैं। अब ये क्या करते हैं, इंस्टेंट पर्सनल लोन, स्टूडेंट लोन, ये सब देते हैं। यहाँ देखिए वैभव यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इनके थ्रू दोस्तों ये मतलब RBI लोन, जो लोन फ्रंट है वो दोस्तों यहाँ पे लोन दे रहे हैं, जो लोन फ्रंट है। देखिए ऐसे जो एप्लीकेशन होते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए सही समझाने वाला आपको, ऐसे जो एप्लीकेशन होते हैं डिजिटल एप्लीकेशन, वो उनके खुद, जैसे कई सारे में क्या होते हैं उनके मतलब जो फंड प्रोवाइड करते हैं वो नहीं करते हैं, उनके जो पार्टनर होते हैं लेंडिंग पार्टनर NBFC बैंक ये सब, उनमें से दोस्तों ऐसा ही है इनका भी, ठीक है। तो RBI से इनको NBFC रजिस्टर्ड है, इनको लाइसेंस मिला हुआ है, तो ये एप्लीकेशन इसमें सही निकला, ठीक है। 2023 में जो है यहाँ पे पावर बाइड यहाँ पे पार्टनर NBFC, जैसे कि मैंने कहा था जो इनके पार्टनर होते हैं उनके थ्रू ये लोन प्रोवाइड करते हैं। आप इसी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करोगे लेकिन फंड कहीं से और आएगा, इसी एप्लीकेशन में ही जैसे कि पार्टनर इनके होते हैं उनके थ्रू लोन यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं लेंडिंग जो पार्टनर है, यहाँ पे देखते हैं मुथूट फाइनेंस, यहाँ पे जो रजिस्टर्ड है, जो इनके ऑनर है, जो इनको लाइसेंस मिला हुआ है लोन फ्रंट को, ये है वैभव यहाँ पे लिखा हुआ .com, जो भी है आप इसे पढ़ सकते हो। अब इनको फंड कौन देते हैं, NBFC बैंक। तो यहाँ पर देखते हैं लेंडिंग जो पार्टनर हैं, ये देखिए कि मुथूट फाइनेंस है उनके तरफ से ये फंड आता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक देखते हैं एक और फाइनेंस है, वहाँ से भी आता है, इसको भी देख सकते हैं कैपिटल है, और ये दो जगह से आपको आता है, तो ये दो लेंडिंग पार्टनर है, तो ये एप्लीकेशन सही है, रजिस्टर्ड है, ठीक है। चलिए हम रजिस्टर समझ गए, एप्लीकेशन सही है। अब देखिए दूसरा कि जो लोन फ्रंट है कम्प्लीटली मतलब इनकी कंप्लेंट्स आप यहाँ जाकर कर सकते हो, इस पर आप समझ गए। उसके बाद दोस्तों चलिए हम बात करने वाले हैं लो सिविल पे, क्योंकि ये जो दावा मतलब एप्लीकेशन में लिखा हुआ है लो सिविल पे, यानी 600 लो सिविल ही होता है, जो 600 सिविल होता है
लगभग यहाँ पे मीडियम, मतलब मीडियम में आता है तो लो ही हम मानते हैं उसको, तो लो सिविल पे यहाँ पे लोन दे रहे हैं ये सबसे पहले। और इनकम मंथली के कहीं कर रहे हो, 15,000 रुपये मंथली के इनकम आ रहा है, हर महीने के 15,000 रुपये इनकम आपके बैंक में आ रहा है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, वरना नहीं, क्योंकि साफ साफ इन्होंने कह दिया तो फिर दोबारा ट्राई मत करना। अगर 15,000 से नीचे सैलरी है तो मत ट्राई करना, ठीक है। 15,000 इनकम है और इतना सिविल है और उम्र आपका 23 साल है और इंडियन हो तो आप इसे अप्लाई करना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें। डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्या चाहिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं कि सबसे पहले अप्लाई करने के लिए सेल्फी चाहिए, यहाँ पे पैन कार्ड चाहिए, दूसरा यहाँ पे तीसरा आपको एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में आप क्या दे सकते हो, देन के एड्रेस प्रूफ में ऑप्शन है कुछ भी आप दे सकते हो, जैसे कि जो एड्रेस प्रूफ में काम आता है, यहाँ देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, इनमें से कोई दे सकते हो। तो आधार कार्ड पैन कार्ड तो हर किसी के पास होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑप्शन ज़्यादा लोग यही चीज़ देंगे। अगर आधार कार्ड नहीं देना है तो कुछ और दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी दे सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है पूरा 100% डिजिटल एप्लीकेशन है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर आप दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे 30,000 5 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा, 3 महीने से लेकर 12 महीने के लिए, ठीक है। आप इस पर यहाँ पे सैलरी जिसकी मान लीजिए कि आप पर्सनल लोन ले रहे हो डिजिटल, जैसे कि मान लो कि आपके पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपको 30,000 तक का 5 मिनट में लोन आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए कि आप पर्सनल लोन सैलरी पे हो, जैसे कि सैलरी पे हो, इस पर ऑप्शन भी दिया गया है, मान लीजिए कि आपके पास सैलरी नहीं है, सैलरी स्लिप नहीं है, जैसे कि इनकम नहीं कर रहे हो, तो उनके लिए भी यहाँ पर 30,000 तक का लोन आप ले सकते हो, जो सैलरी पे नहीं, मतलब जिनकी इनकम इतनी 15,000 नहीं है, तो आप ट्राई कर सकते हो आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से आप इस पर ले सकते हो 12 महीने के लिए, ठीक है, 3 से 12 महीने के लिए। अब देखिए कि मान लीजिए कि आप दोस्तों यहाँ पे सैलरी पे वर्क कर रहे हो, मंथली के आपके 15,000 रुपये इनकम है, तो आप 2,00,000 तक का यहाँ पे ले सकते हो 24 महीने के लिए, इनकम प्रूफ दिखा के आप ले सकते हो, ठीक है, इस पर ले सकते हो। इस पर क्या दोस्तों देखते हैं, 1500 से लेके 2000 तक, 1500 से लेके, इतना कम तो कोई लोन नहीं था, 1500 से लेके 1500 चाहिए तो 1500 भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे कि दो लोन है, जैसे कि मैंने कहा था मैं पे चाहता हूँ, अगर आप 15,000 इनकम में नहीं है तो जो तो चले होंगे मेरे पास से, नहीं गए तो ध्यान रखिए कि इनकम नहीं है फिर भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए इनकम आप नहीं है तो यहाँ पे कह रहे हैं यार कि फिक्सबल पर्सनल लोन क्योंकि कैश आपको 3 से 12 महीने में मिल जाएगा, आपको 3 से 12 महीने के लिए 30,000 तक का 5 मिनट में, ठीक है। तो ये दोस्तों सिर्फ आपके आपके पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ ऑफ सेल्फी की मदद से आपको मिल सकता है 30,000 तक का, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास सैलरी है और 15,000 रुपये इनकम दिखा, मतलब इनकम प्रूफ दिखा रहे हो, तो आप 2,00,000 तक का लोन आप इस पर ले सकते हो, समझ गए, ये है दोस्तों, समझ गए इस पर। तो चलिए हम बात कर लें ब्याज कितना लगेगा। मान लीजिए कि 2,00,000 तक का, 1500 से लेकर 2,00,000 तक लोन लेते हैं, 3 महीने से लेकर 24 महीने के लिए इस पर किस्त बना सकते हो, किस्त, ठीक है। लगभग यहाँ पे देख सकते हैं कि 15.95% से लेके यहाँ पे 35.95% तक का आपका चला जाएगा, यहाँ पे 35.95 तक का यहाँ पे साल का ब्याज चला जाएगा, मंथली यहाँ साल का ब्याज चला जाएगा। बाकी यहाँ देख सकते हैं कि मान लीजिए कि लोन लेते हैं तो क्या लगेगा, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इस पैसे को इजी यहाँ पे रीपेमेंट कर सकते हो, रीपेमेंट करने के लिए आप किसी से भी कर सकते हो बड़े आसानी से, अमेजोन, फोन पे, जिससे भी करना चाहते हो कर सकते हो। अब देखिए कि दोस्तों मान लीजिए कि इस पे दोस्तों आप 50,000 का लोन मिला हुआ, आपको 12 महीने के लोन लेते हो तो 17 लगभग 18% का ब्याज लगा आपको, और टोटल आपको कितना पे करना पड़ेगा ये देखिए कि 54,996 रुपया, जिसमें से पैसा आपके अकाउंट में आने वाले हैं 48,000 माफ़ी चाहता हूँ, कितने पैसा यहाँ पे आने वाले हैं देख सकते हैं, 48,000 रुपये, जिसके 50,000 का लोन मिला था 48,525 रुपये आएंगे, तो आपको 12 महीने में पे करना पड़ेगा आपको 54,996 रुपये, जो भी ब्याज वगैरह सब मिला के जो भी ब्याज सब आपको पे करना पड़ेगा, ये सब 48,000 कुछ रुपये आएंगे, बाकी 54,000 कुछ रुपये पे करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से दोस्तों सबसे पहले आपको आना है एप्लीकेशन में, यानी कि तो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, अब हम क्यों अप्लाई करके दिखाने से हमारा काम आपको जानकारी देना, जानकारी लीजिए आप बाकी अप्लाई कर सकते हो, फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हो बस इतना काफ़ी है, आप इसको देख के अप्लाई कर सकते हो, देन की इंफॉर्मेशन लेके। देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करें, इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा, उसके बाद उसको नेक्स्ट आएंगे, लॉगिन कर लीजिएगा अपने मोबाइल नंबर से, मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों अपना बेसिक डिटेल पैन कार्ड डालोगे तो यहाँ पे आपको ऑफर मिल जाएगा, जो भी ऑफर होगा बस बेसिक डिटेल डालने के बाद ही आपको ऑफर मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद उसको KYC करना है, आपको KYC जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आपका पैन कार्ड, सेल्फी और आपका एड्रेस प्रूफ मांगते हैं, तो आप यहाँ डालना है, वीडियो KYC करना है,
दो से पाँच मिनट का वीडियो केवाईसी होता है, केवाईसी करने में मात्र एक मिनट लगेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट जो होगा अपलोड कीजिएगा, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ और सेल्फी अपलोड करना है। नेक्स्ट कंटिन्यू करना है आपको। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आप इसे 365 दिन, 270 दिन, 180 दिन के लिए लोन आप इस पे जितना होगा आप ले सकते हो यहाँ से कैलकुलेट के। बाकी यहाँ से यूपीआई से रीपेमेंट भी कर सकते हो। इस तरह दोस्तों यहाँ पे रिंग, यहाँ पे आपको लोन फ्रंट की मदद से लोन आपको मिल सकता है। मैंने जानकारी सही से दी है, हमारा काम है सिर्फ आपको जानकारी देना, सही सलाह देना, सही जानकारी के बारे में, सही जो एप्लीकेशन है उसके बारे में आपके सामने हम लेके आते हैं। क्योंकि दोस्तों आजकल क्या है, बहुत सारे लोन एप्लीकेशन जो आपको फेक भी मिल जाएंगे, सही भी है तो आपको समझ नहीं आता कौन सा एप्लीकेशन सही है, तो आप सब सपोर्ट के लिए हम ये सब जानकारी देते हैं। तो दोस्तों आज हमारे चैनल पर 7 लाख हो गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह सपोर्ट करते रहिए, हम आपको सही से जानकारी देते रहेंगे। हमारे चैनल पर लोन के बारे में, अर्निंग के बारे में बहुत सारी जानकारी हम देते रहते हैं, चैनल जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप लोग जानते हो कि हम कई जगह से हमने लाइव प्रूफ भी दिखा रखा है तो हम लाइव प्रूफ दिखाते रहते हैं, लेकिन दोस्तों लोन हर जगह से नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए दोस्तों जानकारी हम देने की कोशिश करते हैं कि आप सबको समझ में आ जाए, आप इसे फटाफट बड़े आसानी से अप्लाई कर सको। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते इतना काफ़ी अप्लाई कर सको। यह एप्लीकेशन मुझे सही लगा, आप अपना राय दीजिएगा कि एप्लीकेशन आपको कैसा लगा। और एक चीज़ और दोस्तों, मान लीजिए कि आप इस पर अप्लाई करते हो, आपका लोन रिजेक्ट हो गया, तो किसी भी एप्लीकेशन जाते हो तो पहले उसको जाने बिना, समझे बिना आप उस पर अपना राय मत देना। क्योंकि दोस्तों क्या होते हैं, कई बार दोस्तों सही भी एप्लीकेशन होते हैं उस पर आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है, तो उस पर रिजेक्ट हो जाता है तो सही होता है। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए कि वो सही एप्लीकेशन होते हैं, क्योंकि एक तरह से दोस्तों जो हम एप्लीकेशन लेके आते हैं आपके सामने वो सही एप्लीकेशन लेके आते हैं, जिसमें क्या होता है दोस्तों कि जो कई लोग क्या होता है लोन अप्लाई करते हैं उनका सिविल कभी ख़राब होता है, कभी डॉक्यूमेंट सही नहीं हो पाता है। मान लीजिए कि आपका पैन कार्ड पे नाम अलग है, आपका पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ अलग है, आपका एड्रेस प्रूफ पे डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो इस पर डिसमैच हो जाता है, तो उस पर हो सकता है उससे भी रिजेक्ट होने का कारण होता है। तो पहले आप जांच लीजिए, पड़ताल लीजिए कि आपको सही चीज़ है, सारे डॉक्यूमेंट्स मिला लीजिए, बैंक अकाउंट में भी देख लीजिए कि आपका जो है आधार कार्ड पर, चाहे आपका पैन कार्ड पर जो एड्रेस पर, मतलब एड्रेस नहीं, आपका नाम मैच कर रहा है कि नहीं और आपका डेट ऑफ बर्थ मैच कर रहा है कि नहीं, तब जाके अप्लाई कीजिए। छोटी छोटी चीज़ से भी आपका लोन रिजेक्ट होने का कारण हो जाता है। तो हम जो एप्लीकेशन बताते हैं सही एप्लीकेशन बताते हैं, ये सब एप्लीकेशन है बिल्कुल सही है, आरबीआई के नज़र में है, आरबीआई नज़र में एप्लीकेशन होते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है पहले समझ लीजिए, हम आपको क्लियर बताने वाले हैं। अगर लास्ट तक टिके हैं तो आपको जानकारी सही मिलने वाली है इस वीडियो में। देखिए कि आरबीआई जो एप्लीकेशन रजिस्टर्ड होते हैं, जिनको लाइसेंस मिलता है, तो वो एप्लीकेशन रजिस्टर्ड होते हैं। और वो जैसे कि मान लीजिए कि एप्लीकेशन है, किसी एप्लीकेशन में मान लीजिए कोई गलती हो गई, तो उससे आप कंप्लेन करते हो, ठीक, कंप्लेन करने जाते हो आरबीआई को, तो उस पर क्या होगा दोस्तों कि उस पर वो कंपनी आपको मिल जाएगी, वो आरबीआई को मिल जाएगी, उसके खिलाफ वो सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। मान लीजिए जो एप्लीकेशन रजिस्टर्ड नहीं है, वो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, उसको आरबीआई कंप्लेन करने जाओगे तो वो कंपनी मिलेगी नहीं, फिर आपका रजिस्टर्ड होगा ही नहीं, ठीक है, उसके खिलाफ कंप्लेन भी आप नहीं कर पाओगे, वो तो कंपनी भाग जाएगी। तो इसलिए दोस्तों सही जो एप्लीकेशन होते हैं, सही कंपनी, तो उससे आपको लोन अप्लाई करना चाहिए। डिजिटल आजकल बहुत जल्दी आप लोन भी ले सकते हो घर बैठे, अगर मान लीजिए जॉब करो उसके साथ में भी, कहीं आपको टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, आप काम करते करते भी आप इससे अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको सही लगी, हमारा काम आपको सिर्फ जानकारी देना, सही जानकारी आपको जानकारी देना। हमारे चैनल पर सिर्फ आपको जानकारी दी जाती है, हम कोई लोन वोन प्रोवाइड नहीं करते हैं, हम सिर्फ जानकारी देते हैं। जो सही एप्लीकेशन होते हैं पहले रिसर्च करते हैं, उसके बाद आपके सामने लेके आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट। जय हिंद, वंदे।